पूरे भारतवर्ष में 73 स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वहीं नालंदा जिला के हिलसासर स्थित राम बाबू उच्च विद्यालय के मैदान में हिलसा अनुमंडलीय पदाधिकारी वैभव चौधरी ने झंडा तोलन किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पे कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले संगठनों, विद्यालय एवं छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले में प्रथम स्थान राम बाबू उच्च विद्यालय को, द्वितीय स्थान लोक स्वास्थ्य प्रमंडल हिलसा को, तृतीय स्थान सीता सरन स्कूल को। इसके साथ साथ बेहतर करने वाले मनरेगा, मार्शल आर्ट, अग्नि आशय और कई संगठनों को किया गया, कई विद्यालयों को किया गया। आपको बता दें अभी जो वीडियो देख रहे हैं मार्शल आर्ट की बच्चियां हैं वीडियो के जरिए, जो कि आप बता दें कि पूरे भारत में मार्शल आर्ट अगर नारियों को जरूर सीखना चाहिए अपनी आत्मरक्षा के लिए। चंदन विश्वकर्मा जी को सम्मानित किया जा रहा है। जी हाँ, वो सख्त हैं जो नारियों को जागरूक करते हैं, लगातार छात्राओं को जागरूक करते हैं। नालंदा जिला के अंदर बस लगभग 1650 छात्र छात्राओं को वो जागरूक कर चुके हैं, मार्शल आर्ट सिखा चुके हैं, कराटा सिखा चुके हैं, ताकि महिलाएं अपने आप पर आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ साथ नालंदा जिला में उभरते खिलाड़ी यानी कबड्डी, जी हां, सूरज कुमार की अध्यक्षता में कई कबड्डी खेल खेला गया, जो खिलाड़ियों को इस बार सम्मानित किया गया। कई विद्यालय के छात्र छात्राएं ने अपने बेहतर प्रदर्शन करियर में किया है, उन छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। विद्यालय को बेहतर करने के लिए विद्यालय